हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रशांत स्टडी क्यू। आज आम क्लास 10 इंग्लिश बुक रो ए लेटर टू गॉड चैप्टर को आरंभ करिया, जहाँ को लिखी चंदे जीएल फुएंस। तो चलो ताने स्टार्ट करिया। प्रथम ए पार्टी को देखने वाले जेटा लीड इन पार्टी को। तो चलो ताने हैव यू एवर रिटन ए लेटर टू गॉड, तुम्हें केवे भगवान को पाखु चिट्ठी लिखी छो कि? डिड यू एवर कम अक्रॉस समवन राइटिंग ए लेटर टू गॉड, जणे के केवे भगवान को चिट्ठी लिखी व्यक्ति संस्पर्श तुम्हें केवे आसीच कि? पीपुल बिलीव फेथ कैन मूव माउंटेन्स, लोक मैंने विश्वास करती जे विश्वास पर्वत को मध्य घुंचाई दे पारे। बट व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन, किंतु आम कौन विश्वास करवा उचित, आम विश्वास रखा उचित। दिस इज द क्वेश्चन दि स्टोरी डेलिकेटली पजेस, यह हूँ प्रश्न जहाँ को कि यह स्टोरी सुंदर भाव में दर्शाए। लेंचो इज ए फार्मर हु राइट्स ए लेटर टू गॉड आस्किंग फॉर ए सम ऑफ मनी व्हेन हिज क्रॉप्स फेल। लेंचो हूँ जन कृषक जी कि भगवान को पाक चिट्ठी लिखी किसी मनी कहीं तार फसल कौन हो नष्ट। डाज लेंचोस लेटर रिच गॉड, लेंचोर लेटर टी भगवान को पाक पहुँची कि? डाज गॉड सेंड हिम दि मनी, भगवान तांको मनी बा टंका पठाई कि? थिंक एंड ट्राए टू आंसर दिज क्वेश्चन, ताने भाव एवं ये क्वेश्चन गुड़िकर उत्तर देवाई चेष्टा करो। तो चलो ताने पिलाने आरंभ करिया टेक्स्ट पार्टी को। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। तो ये क्रेस्ट माने कौन पिलाने? क्रेस्ट माने होची शिखर जेटा कह टॉप मोस्ट पार्टा बा शिखर, क्लियर? ताने कौन है जो पिलाने ना द हाउस संपूर्ण उपत्यकार एकमात्र घर, संपूर्ण उपत्यकार एकमात्र घर गोटे निम्न पहाड़ शीर्ष देश अवस्थित था। क्रेस्ट मीन्स कौन? शिखर जेटा कह शिखर मानने टॉप मोस्ट पार्ट रे अवस्थित मान शीर्ष देश अवस्थित था। फ्रॉम दिस हाइट वन वुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विथ द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट। से शीर्ष स्थान जे कई जो निम्न प्रवाहित होता नदी एवं से फूल द्वारा बिछे पाचिला शस्य क्षेत्र को सहजरे देखिपार जहाँकि एक उत्तम अमल प्रतिश्रुति बहन करुला। एठार डटेड विथ मान कौन ना बिछे विक्षिप्त। दि ओनली थिंग दैट आर्थ नीडेड वाज ए डाउनपोर एंड और एटलिस्ट ए सावर। पृथ्वी केवल दरकार होता एक बर्षण मान जोर वृष्टि और ए लिटिल सावर किंवा अति कम्रे एक वृष्टि मान स्वल्प वृष्टि तो गोटे दरकार होता। थ्रू आउट दि मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काय टुवर्ड्स दि नॉर्थ ईस्ट। सकाळ सारा कृषक लेंचो जे कि निजर क्षेत्र गुड़ को अति निजर माने अति निकट रु जान इंटीमेटली माने कौन पिलाने ना अति निकट रु जे कि क्षेत्र गुड़ को अति निकट रु जान हैड डन नथिंग एल्स, हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काय टुवर्ड्स दि नॉर्थ ईस्ट। केवल वर्षापी उत्तर पूर्व आकाश को चाह रही एवं ता व्यतीत से अन्य किसी कर नाला, अर्थात से सका सारा जेकि से फील्ड को भल भाव जानी किंतु से सका सारा से उत्तर पूर्व आकाश को चाह रही किसी भी कर नाला, क्लीयर? नाउ वी आर रियली गोईंग टू गेट सम व्वाटर ओमेन। चाषी जनक स्त्री को संबोधन कर लेंचो ता स्त्री को संबोधन कर प्रकृत किसी जल पाइब। द ओमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सुपर रिप्लाएड येस गॉड विलिंग। से संध्या भोजन प्रस्तुत करता समय से महिला जनक स्त्री लोक जनक उत्तर दे हाँ ईश्वर चाहिए। द ओल्डर बॉयज वी आर वर्किंग इन द फील्ड। से वयस्क बालक मैंने कौन करते क्षेत्र काम करते व्वल दि स्मलर वन्स वी आर प्लेइंग नियर दि हाउस। जो समय कि छोट छोट बालक मैंने से घर निकट में खेलुले आंटिल दि ओमेन कॉल्ड देम ऑल कॉल्ड देम ऑल कम फॉर डिनर। खेलु समय महिला जन को डाक पकड़े से ही समय जे रात्रि भोजन आस। इट वाज ड्यूरिंग दि मिल दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फॉल। ये प्रेडिक्ट मान हूँ पूर्वानुमान करवा
रात्रि भोजन खाऊथिबा बेले कृषक लेंचर पूर्वानुमान अनुसार बड़ बड़ वर्षा टोपा पड़ा आरंभ कला। इन दि नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग एप्रोच माने द्रुत वेगर माड़ी आस उत्तर पूर्व दिगर विशाल पर्वत श्रेणी पछपटू मेघ द्रुत वेगर माड़ी आसुवार देखाला। द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट एयर टी फ्रेश थिला सतेज थिला एवं मधुर थिला। द मेन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। तापर से लेंच बा से कौन कला ना बाहर को बाहरी आसला से बर्षार आनंद को तापर से बर्षा ठोपा जो पड़ो तार आनंद को सी उपभोग करने बाहर को बाहरी आसला। व्वेन ही रिटर्नड ही एक्सक्लेमड दीज आर नॉट रेनड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई दे आर न्यू कॉइन्स द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वन आर 5 5s। कौन कहला जिते से फेरला से आश्चर्यचकित होगा दीज आर नॉट रेनड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द युड़ रेनड्रॉप्स नाला जो गुड़िक कि कौन आकाश रू पड़ा दे आर न्यू कॉइन्स युड़िक नुआ कॉइन थी मुद्रा थी दि बिग ड्रॉप्स आर 10 आर कौन देखे ना दि बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वन्स आर 5s। बड़ बड़ वर्षा बिंदु गुड़िक 10 सेंट और सान सान बिंदु गुड़िक जो पड़ूगा से गुड़ 5 सेंट मुद्रा थी क्लियर। नेक्स्ट विथ ए सैटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर्स ड्राफ्ट इन ए कॉटन ऑफ रेन। ड्राफ्ट मीन्स कौन ड्राफ्ट मान जेटा हूँ आवृत हो रही कोभर जेटा को आम कह ड्राफ्ट मान कोभर नाक रखा आवृत हवा जेटा कोभर विथ ए सैटिस्फाइड एक्सप्रेशन खुशी सतोष He regarded the field of ripe corn with its flower draped in a curtain of rain. खुशी रे लेंच को जमती लगुला सत जपरी पाचिला फूल शस्य क्षेत्र तो बर्षार एक परदार आवृत हो रही था। But suddenly a strong wind began to blow and along with the rain very large hailstones began to fall. किंतु हठात एक शक्तिशाली पवन बहुत लगला एंड एलंग विथ द रेन भेरी लार्ज हेलस्टोन बिगान टू फॉल। वर्षा सहित अति बड़ बड़ कुआपथर पड़ा आरंभ कला दिस ट्रूली डिड रिजेम्बल न्यू सिल्वर कॉइन्स। यही कुआपथर सब प्रकृत नुआ मुद्रा भाई जना पड़ा रिजेम्बल मान जना पड़ा। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व टू द रेन रेन आउट टू कलेक्ट दि फ्रोजेन फिल्स। बाड़क मान से बर्षार बाहर को आसी से कुआपथर खंड गुड़िक फ्रोजेन फिल्स से कुआपथर खंड गुड़िक संग्रह करने को लगला क्लियर। इट्स रियली गेटिंग बेड नाउ एक्सक्लेम्ड दि मैन। लेंच आश्चर्य प्रकाश कला देखला जो कौन हो बर्तमान स्थित आस्ते आस्ते कौन हो खराब होबार लगी। आई होप इट पासेस क्विकली मुशा करीघ्र कौन कर चली इट डिड नॉट पास क्विकली किंतु यह शीघ्र पास कला ना बा गला ना। फॉर एन आवर दि हेल रेन ऑन दि हाउस द गार्डन दि हिल साइड दि कॉर्नफील्ड ऑन दि होल वैली। गोटे घंटा धरिकी वर्षा बर्षि रहा हाउस उपर घर उपर एंड दि गार्डन बगीचा हिल साइड पहाड़ वर्ष दि कॉर्नफील्ड शस्य क्षेत्र ऑन दि वैली ऑन दि होल वैली संपूर्ण उपत्यका उपर घंटाए धरिकी कौन है ना बर्षिला। दि फील्ड वाज व्हाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट से क्षेत्रटी पूरा धला जाता जमी तापर कौन कर लुण जमी ढाकी दिखाई घोड़ाई दिखाई से ही भाया जना पड़ा। नॉट ए लीफ रिमेन्ड ऑन दि ट्रीज गोटे हेल्ले पत्र से गचगुड़िक ना द कॉर्न वाज टोटाली डिस्ट्रॉयड शस्य संपूर्ण उजुड़ी गला बा संपूर्ण नष्ट हो जाता। दि फ्लावर्स वेयर गन फ्रॉम दि प्लांट्स गचगुड़िकर फूल गुड़िक झड़ी जाता। लेंचर सॉल वाज फिल्ड विथ सैडनेस लेंचर हृदय दुखरे भरीगला। व्वेन दि स्टॉर्म हैड पास्ट जिते मान से झड़टी चलीगला ही स्टूड इन दि मिडिल ऑफ दि फील्ड से क्षेत्र मझी भागे ढड़ा एंड सेड हिज सन्स एवं पुओ मान कहला
ए प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। जदि एक पंगपाल दल हुए तो आसी थाने तेपरी फसल कि छाड़ी जाइ थाते अर्थात तान से जो आसी स्टॉर्म से बहुत किसी क्षति कर दे कि पड़ा से कौच कि आमर लेंच से फार्मर जन से कौचे कौच जदि पंगपाल दल आसी थाते कि छाड़ था द हेल हेज लेफ्ट नथिंग किंतु ये हेल बाय कुआपथर किसी रखी ना दिस इयर वी विल हैव नो कॉर्न यही वर्ष आम आदु शस्य पाइबा ना दैट नाइट वाज ए सोरोफुल वन ता एक दुखद राति थिला ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग आमर समस्त कार्य बेकार हो गला देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस कई मान कहीं नाते आमको साहय करें देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस वी ऑल गो हंग्री दिस ईयर आमे मैंने वर्ष समस्ते भोकिला रहा बट इन दि हार्ट्स ऑफ ऑल वी हु लिव इन दि इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली देयर वाज ए सिंगल होप हेल्प फ्रॉम गॉड किंतु से वैली रे किंतु से उपत्यक मझीरे एकुटिया घर रहुता लोक मान मन एकमात्र आशा रहिला बा एकमात्र आशा थिला जे भगवान को ठारु साहाज्य डोंट बी अपसेट डोंट बी सो अपसेट इवेन दो इट सीम्स लाइक ए टोटल लॉस रिमेम्बर नो वन डाइज ऑफ हंगर व्यथित विचलित हुआ ना डोंट बी अपसेट विचलित हुआ ना इवेन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस जदिओ जना पड़ा संपूर्ण क्षति भाई रिमेम्बर नो वन डाइज ऑफ हंगर मने रख कई क्षुदा बा भोक मरते ना दैट्स व्हाट दे से नो वन डाइज ऑफ हंगर जेटा कि लोक मैंने कहते नो वन डाइज ऑफ हंगर कई भोक मरते ना ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ वन ऑफ द हेल्प ऑफ गॉड हुज आईज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड इन एवरीथिंग इवन व्हाट इज डीप इन वन्स कॉन्शियस कॉन्शियस मीन्स विवेक तो राति सारा लेंचो गोटे कथा ही भावुला केवल भगवान साहय प्राप्ति जहाँ आखि मान गड आखि कथा कह भगवान आखि भगवान से सबकि देखिपारती लेंच को पूर्व शिक्षा शिक्षा प्राप्त करता जे भगवान सबकि देखिपारती से मनीषर बेक कौन सब चलुची बेक गभीरतारे सबकि से जापारती अर्थात मनीषर बेक को कौन करते पढ़ी पारती तेणु लेंच भावुला से जहाँ चिंता करगवान जापार क्लीयर लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन दि फील्ड्स लेंचो थिला कौन जो ऑक्स ऑफ ए मैन मीन्स जो हार्ड वर्किंग पर्सन थिला बलद परी से कठिन परिश्रमी थिला लेंचो ताने जो कठिन परिश्रमी व्यक्ति थिला वर्किंग लाइक एन एनिमल इन दि फील्ड से पशु पर कौन करथला ना खटुथला बा काम करथला फील्ड रे बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट किंतु से जानिथिला केमती लेखिया गो अर्थात से लेखा जानिथिला द फॉलोइंग संडे ए डे ब्रेक He began to write a letter which he himself would carry to town. आसंता रविवार भोर समय रे at daybreak means भोर समय रे भोर रविवार दिन भोर समय रे से चिठी लिखिया को आरंभ कला which he himself would carry to town जे जहाँ को किसे निजे ही टाउन को नेबो and place in the mail एवं ताकु डाको बाक्सर डाक माने कौन करियो ना पकईदेव डाक बाक्सर पकईदेव क्लीयर प्लेस इन दि मेल बुझीगला निजे कौन कर टाउन को नब एवं ताकू डाक बाक्सर पकईदेव इट वाज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड यह ईश्वर को एक चिठी बा भगवान को प्रेरित एक चिठी आजपाई ये पाने नेक्स्ट क्लास आम तार परवर्ती पार्ट को डिस्कसन करवा जदि भिडियोटी भल लगी भिडियो गोटे लाइक करो और निजर सांगसाथी मान सहित शेयर करो और आम चैनल जदि नुआ आम चैनल को सब्सक्राइब करो थैंक यू फ्रेंड्स हैव ए नाइस डे